वेलकम बैक टू जी एस क्विक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन प्लानिंग। तो लेट्स वी स्टार्ट। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? फर्स्टली सक्सेशन प्लानिंग आल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट प्लानिंग, तो इसको रिप्लेसमेंट प्लानिंग भी कहते हैं। ओके, सो सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली है क्या? प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स हु कैन रिप्लेस ओल्ड लीडर व्हेन दे लीव, रिटायर और डाई। तो सिंपली मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं। ओके, तो वर्कर जो काम कर रहे होंगे एक ना एक दिन तो वो उसको छोड़कर जाएंगे, चाहे वो रिटायर हो, चाहे उनकी डेथ हो, चाहे वो अपनी मर्जी से जाएं। क्लियर? तो एक ना एक दिन तो वो जाएंगे। तो जब वो जाएंगे तो उसके जो वैकेंसी अराइज होगी उसको क्विकली उसी टाइम उसको जो है फिलअप करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। क्लियर? तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग करना, डेवलप करना न्यू लीडर। ओके, हु कैन रिप्लेस ओल्ड लीडर व्हेन दे लीव। तो जब वो जो ओल्ड लीडर हैं जब वो जाएं, रिटायर हो और या फिर उनकी डेथ हो, तो उसके जहाँ पर न्यू डेवलप लीडर करना जो उनकी जगह ले सकें। क्लियर? तो एस पी इट मीन्स सक्सेशन प्लानिंग इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल एम्प्लॉयज दैट आर प्रिपेयर्ड टू अज्यूम दिस रोल एज दे बिकम अवेलेबल। तो यही है कि जब भी जो वैकेंसी अराइज हो तो उसी टाइम उसको फिलअप किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट प्लानिंग, इसलिए कहते हैं बिकॉज हम रिप्लेस करते हैं ओल्ड लीडर, न्यू लीडर को ओल्ड लीडर के जगह पर। क्लियर? उसकी प्लेस पर। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो इसका क्या प्रोसेस है, हम कैसे करते हैं सक्सेशन प्लानिंग को? तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो सक्सेशन प्लानिंग है ना, ये मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत काम कर रहे हैं वर्कर, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज बहुत हैं। ओके, तो ये जब हर एक पर्सन छोड़कर जाएगा उसके लिए प्लानिंग करना, ये नहीं होता। ये होता है कि कुछ पोजीशन हमारी ऐसी होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो हमारे ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अफेक्ट करती हैं, जो होनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए बहुत ही अफेक्ट करती हैं। ओके, तो उस जगह पर जो होते हैं, उस पोजीशन पर, उसको हम लीडर कहते हैं। तो उस जगह को, उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। क्लियर? ओके, तो अब इसका प्रोसेस क्या है, हम कैसे करते हैं सक्सेशन प्लानिंग? फर्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग की एरियाज एंड पोजीशन। फर्स्टली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे कौन कौन सी की एरियाज एंड कौन कौन सी पोजीशन है जो हमारे डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्टिव पर जाकर पॉइंट करेंगी। क्लियर? सो की एरियाज एंड पोजीशन आर दोज आर क्रिटिकल टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एक्टिविटी एंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। तो सिंपली इसमें क्या किया जाता है, फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कौन से एरियाज हैं। डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो उसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करना। क्लियर? कि कहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग करनी है, तो कहाँ पर जो हमें है जो ऑब्जेक्ट, कौन कौन से एरियाज हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को जो है इफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये सब आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाइंग कैपेबिलिटीज फॉर की एरियाज एंड पोजीशन। तो इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन जो एरियाज हमने सिलेक्ट किए हैं, पोजीशन हमने देखी है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेंगी, तो उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या चाहिए। जो न्यू लीडर हम लिए लविंग जो न्यू लीडर हम सिलेक्ट करेंगे उनमें कौन सी कैपेबिलिटीज चाहिए। आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज नीडेड टू अचीव बिजनेस गोल। आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी जो नॉलेज है उसके रिलेटेड होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए टू अचीव द बिजनेस गोल। क्लियर? तो ये सब इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड उसका इसी में है, सॉरी। Then inform employee about key areas and position and required capability. उसके बाद जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और employees होते हैं उनको बताया जाता है, inform किया जाता है कि ये area हैं हमारे, ये positions हैं और ये capabilities चाहिए।
आगे ओके। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसी प्रोसेस में सक्सेशन प्लानिंग के, आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज एंड असेस देम अगेंस्ट कैपेबिलिटी। तो इसमें क्या किया जाता है, इंटरेस्टेड एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई किया जाता है, इट मीन्स कि जो लीडर वाली पोजीशन लेने के लिए तैयार है, इंटरेस्टेड है, उसको आइडेंटिफाई करना। बिकॉज हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था सबको सेकंड पॉइंट में, सभी एम्प्लॉय को बता दिया था कि कौन कौन से पोजीशन है, कौन कौन से एरियाज है और कौन कौन से कैपेबिलिटीज चाहिए, कौन कौन से स्किल्स चाहिए। तो थर्ड में क्या है कि आइडेंटिफाई करना हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है ओके। तो इसमें क्या है, डिटर्मिनिंग हु इज़ इंटरेस्टेड इन एंड हैज़ द पोटेंशियल टू फिल केयर एरियाज की एरियाज एंड पोजीशन एंड जिसकी जो है कर सकते हैं जो पोजीशन है उसको फिल अप, क्लियर, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर प्लान। तो इसमें क्या किया जाता है, डिफाइन लर्निंग ट्रेनिंग डेवलप एक्सपीरियंस दैट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो 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 ट्रेनिंग है दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए ओके। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है लर्निंग प्रोसेस कि आप सीखें यहाँ से कि हमें जो पहले मैंने बता दिया कि हमें ये चाहिए ओके, स्किल्स होनी चाहिए, कौन से कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करते हैं वो लीडर बनने के लिए ओके। लिंक एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप लर्निंग प्लान्स टू नॉलेज स्किल्स रिक्वायर फॉर करंट एंड फ्यूचर रोल। तो इससे इसमें क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी लर्निंग उसको लिंक किया जाता है प्लान्स के द्वारा, जो उन्होंने प्लान बनाए हैं लीडर के लिए ओके। सो दैट कि जो उनकी नॉलेज और स्किल है वो चेक कर सके उनकी करंट क्या है और फ्यूचर में क्या होगी। उसके बाद हमारे पास है इसमें फिफ्थ पॉइंट है, इवेल्युएट अफेक्टिवनेस। तो इसमें इंश्योर किए जाते हैं नीचे फॉलोइंग पॉइंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे सक्सेशन प्लान्स फॉर ऑल की एरियाज एंड पोजीशन आर डेवलप। तो इसमें ये पॉइंट जो है इंश्योर किए जाते हैं, सक्सेशन प्लान्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से की एरिया के लिए, कौन से एरिया के लिए कौन सा प्लान है, पोजीशन के लिए कौन सा प्लान है, तो ये सब उसमें डेवलप किया जाता है। कीप पोजीशन आर फिल्ड क्विकली सो दैट कि जो कोई पोजीशन है उसको फिल अप किया जा सके। अगर एक जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन को श्योर कर जाए उसी टाइम उसको क्विकली फिल अप कर दिया जाए जॉब को ओके। तो न्यू एम्प्लॉय ने की पोजीशन परफॉर्म इफेक्टिवली, तो जो इसमें ये चेक किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है कि जो न्यू एम्प्लॉय काम कर रहा है एज ए उसके लीडर ओके, ओल्ड लीडर की जगह पर जो नवा न्यू लीडर जो काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इफेक्टिवली हो, क्लियर। तो ये था ओवरऑल हमारा सक्सेशन प्लानिंग के बारे में, उसके प्रोसेस और उसका मीनिंग ओके। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।